वो देखिए, तीन मिनी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे। तो आपने कुछ भाई के कमेंट, कौन सी कंबाइन हार्वेस्टर हमें लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से ही यूज की गई है। बिल्कुल सेम सुपर स्टैंडर्ड S50 और पनेसर जी के अंदर सेम चलनी यूज की गई है। 37 ब्लेड ही है और NS29 के अंदर 32 ब्लेड है, तो NS29 के अंदर ब्लेड भी कम है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है S50 वो भी 1 से 1.5 एकड़ 1 घंटे में काट लेती है। लेकिन NS29 जो है, क्योंकि अगर प्राइस के मामले में देखा जाए तो लगभग सब बराबर ही बैठती है, लेकिन NS29 का हर चीज में NS29 कम। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं, जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो देखिए, तीन मिनी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे। तो कुछ भाई के कमेंट थे कि इसमें एक कंपैरिजन वीडियो होना चाहिए कि इन तीनों में कौन सी बेस्ट है। तो देखिए, मेरे चैनल पर देखा होगा आपने, मैं बहुत ही जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर लेकर के आता हूं। तो कार से रिलेटेड भी होती है, बाइक से रिलेटेड होती है, ट्रैक्टर से होती है और कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड होती है। तो देखिए, मोस्टली इन चीजों को हर कोई यूज करता है और थोड़ी बहुत चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी होती है। आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो और आपके पास उससे रिलेटेड नॉलेज ना हो तो फिर आपको ये लगता है कि पता नहीं इसके अंदर सिस्टम क्या है। तो मतलब ऐसा है कि मैं थोड़ी थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेटेड अपने इस चैनल पर डालता रहता हूँ, और एक ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मेरे इस चैनल पर आपने देखी होगी। बहुत सारी वीडियो मैं डाल चुका हूँ इस पर और सब एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, और कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार वीडियो जो है उसमें डाल दी है और आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो। और आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो देखिए, तीन मिनी कंबाइन हार्वेस्टर की बात करेंगे और इन तीनों का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि देखने से पता नहीं लगती चीजें, हमें जब तक उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पता नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि कौन सी कंबाइन हार्वेस्टर हमें लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से ही एग्जैक्ट हमें पता लग पाता है। तो आज हम तीन जो कंबाइन हार्वेस्टर है मिनी, उनमें स्पेसिफिकेशन में कंपैरिजन करेंगे। तो वो कंपैरिजन किन-किन का करेंगे, देखिए पनेसर G60, उसका कंपैरिजन वीडियो है ये, पनेसर G60 और सुपर स्टैंडर्ड S50 और NS29 कंबाइन हार्वेस्टर का। तो ये तीन कंबाइन हार्वेस्टर मिनी कंबाइन हार्वेस्टर में बेस्ट मानी जाती है, लेकिन अब हम इनमें कंपैरिजन करते हैं कि इनमें कौन सी बेस्ट आज होने वाली है। तो देखिए, कुछ जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है पनेसर G60 के अंदर है, लेकिन इन दोनों के अंदर अवेलेबल नहीं हुए वो, मतलब जो कंपनी ने अपना जो स्पेसिफिकेशन डाल रखे हैं उसमें ये नहीं मिल पाए, मैंने सर्च किए नहीं मिल पाए, तो वो कंपैरिजन मैं स्किप कर दूंगा और बाकी का जो कंपैरिजन इनसे इससे मिलता जुलता है वो इन तीनों का मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरिजन में इंजन की। तो इंजन जो है वो पनेसर G60 के अंदर और सुपर स्टैंडर्ड S50 के अंदर दोनों के अंदर सेम है, लेकिन NS29 के अंदर अलग इंजन जो है यूज किया गया है। तो देखिए, पनेसर के और सुपर स्टैंडर्ड S50 के अंदर जो इंजन यूज किया गया है वो अशोक लेलैंड का 76 हॉर्स पावर का इंजन यूज किया गया, 4 सिलेंडर इंजन, ड्राई टाइप वाटर कूल्ड इंजन यूज किया गया। जबकि NS29 के अंदर जो है वो टाटा का इंजन यूज किया गया है, हॉर्स पावर उसकी भी उतनी ही है, 76 हॉर्स पावर का इंजन वो भी है, लेकिन वो टाटा का है और वो भी 4 सिलेंडर इंजन है, लेकिन वो बस टाटा का इंजन है। अब क्लीनिंग सीप्स की बात कर ले, तो देखिए क्लीनिंग सीप्स जो होती है, जो छलनी होती है वो दो होती है, ऊपर और नीचे की छलनी। तो ऊपर जो छलनी यूज की गई है वो उसके साइज की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, पनेसर के अंदर जो है 55x28 इंच की प्लस 20x28 इंच की ऊपर छलनी यूज की गई है, जबकि सुपर स्टैंडर्ड S50 के अंदर बिल्कुल सेम छलनी यूज की गई है, बिल्कुल सेम सुपर स्टैंडर्ड S50 और पनेसर G के अंदर सेम छलनी यूज की गई है।
है, लेकिन NS29 के अंदर 42x47 प्लस 16x27 इंच की छलनी यूज की गई है। तो यहाँ NS की छलनी छोटी है उसके मुकाबले दोनों के। अब नीचे की छलनी भी पनेसर जी में 55x28 इंच की है और सुपर स्टैंडर्ड में भी 55x28 इंच की है, लेकिन NS29 में जो है 42x27 इंच की है, तो नीचे की छलनी भी छोटी है NS29 की। तो छलनी के मामले में NS29 नीचे है। अब थ्रेशर की बात करें, थ्रेशर की जो चौड़ाई है वो पनेसर की 1410 mm की है, जबकि सुपर स्टैंडर्ड की 1450 mm की है। सुपर स्टैंडर्ड की जो चौड़ाई है थ्रेशर की वो ज्यादा है, लेकिन अब NS29 की यहाँ पर हमें नहीं मिल पाई। थ्रेशर का जो डायमीटर है वो पनेसर G60 का 530 mm का है, जबकि सुपर स्टैंडर्ड का 547 mm का डायमीटर है, तो सुपर स्टैंडर्ड का डायमीटर भी ज्यादा है। स्पीड जो है थ्रेशर की वो पनेसर G60 की 750 से 1020 RPM की है, तो सुपर स्टैंडर्ड की भी उतनी ही है, 750 से 1020 RPM की सुपर स्टैंडर्ड की स्पीड दोनों की बराबर है। NS29 की हमें थ्रेशर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। अब कटर बार की बात कर लेते हैं। देखिए कटर बार जो है वो पनेसर G60 के अंदर और सुपर स्टैंडर्ड S50 के अंदर 8.5 फिट का कटर बार है, जबकि NS29 के अंदर 7.5 फिट का कटर बार है, तो NS29 का 7.5 फिट का कटर बार छोटा है इन दोनों के मुकाबले। अब कटिंग हाइट की बात कर लेते हैं। देखिए कटिंग हाइट जो है वो पनेसर G60 की 55 से 1250 mm की है, तो सुपर स्टैंडर्ड की भी उतनी ही है 55 से 1250 mm की, जबकि NS29 की हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। अब नंबर ऑफ ब्लेड्स जो है वो 37 ब्लेड पनेसर G60 के अंदर है, तो सुपर स्टैंडर्ड के अंदर 37 ब्लेड ही है, और NS29 के अंदर 32 ब्लेड है, तो NS29 के अंदर ब्लेड भी कम है, क्योंकि कटर बार का साइज कम है तो ब्लेड भी कम ही होंगे। अब रील के डायमीटर की बात कर लेते हैं। देखिए रील का जो डायमीटर है वो पनेसर G60 का 1064 mm का डायमीटर है, जबकि सुपर स्टैंडर्ड S50 का 880 mm का डायमीटर है, तो डायमीटर सुपर स्टैंडर्ड S50 का कम है, पनेसर G60 का ज्यादा है। NS29 का डायमीटर नहीं मिल पाया हमें। फीडर दोनों का चेन टाइप का ही आपको देखने को मिल जाएगा, और तीनों का ही चेन टाइप का फीडर आपको देखने को मिल जाता है। अब फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए पनेसर G60 की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 110 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, सुपर स्टैंडर्ड की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 170 लीटर की है, और NS29 की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 135 लीटर की है। तो सबसे कम फ्यूल टैंक की कैपेसिटी पनेसर G60 की है, और सबसे ज्यादा सुपर स्टैंडर्ड S50 की है। ग्राउंड क्लियरेंस पनेसर G60 का और सुपर स्टैंडर्ड S50 का सेम है, 465 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करें तो 900 से 1200 किलोग्राम की ग्रेन कैपेसिटी सुपर स्टैंडर्ड और पनेसर G60 की है, जबकि NS29 की 950 किलोग्राम की कैपेसिटी है, तो NS29 की ग्रेन टैंक की कैपेसिटी भी कम है। अब वेट की बात कर लेते हैं। देखिए वेट जो है वो पनेसर G60 के अंदर 4450 किलोग्राम वेट है, जबकि सुपर स्टैंडर्ड S50 के अंदर 4356 किलोग्राम वेट है, और NS29 के अंदर 5850 किलोग्राम वेट है। तो वेट जो है वो सबसे ज्यादा NS29 के अंदर है, और सबसे कम वेट जो है वो सुपर स्टैंडर्ड S50 के अंदर है। ट्रांसमिशन जो है वो दोनों का सेम ही रहता है, पनेसर का और सुपर स्टैंडर्ड का, 3 फॉरवर्ड 1 रिवर्स और लो हाई का गियर। NS29 का हमें इसकी डिटेल नहीं मिल पाई। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कटिंग कैपेसिटी। तो देखिए कटिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कटिंग कैपेसिटी में हम बात करते हैं तो देखिए पनेसर G60 की जो कटिंग कैपेसिटी है वो 1 से 1.5 एकड़ पर आवर है, 1 घंटे में 1 से 1.5 एकड़ काटती है। सुपर स्टैंडर्ड जो है S50 वो भी 1 से 1.5 एकड़ 1 घंटे में काट लेती है, लेकिन NS29 जो है वो आधा से 1 एकड़ ही काट पाती है 1 घंटे में। तो कटिंग कैपेसिटी जो है वो NS29 की कम है। अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं। देखिए डायमेंशन वर्किंग टाइम की हम यहाँ पर बात करेंगे तो डायमेंशन की जो लंबाई है तीनों मशीनों की वो कितनी कितनी है। तो देखिए पनेसर G60 की जो लंबाई है वो 20 फीट है, तो सुपर स्टैंडर्ड S50 की भी 20 फीट है, और NS29 की जो लंबाई है वो भी 20 फीट है, तो लंबाई तीनों की बराबर ही है। अब बात कर लेते हैं चौड़ाई की। तो चौड़ाई में पनेसर G60 की जो चौड़ाई है वो लगभग 9.5 फीट के करीब है, और सुपर स्टैंडर्ड S50 की जो चौड़ाई है वो लगभग 9 फीट के करीब है, और NS29 की जो चौड़ाई है वो 7.5 फीट के करीब है। तो देखिए जो चौड़ाई के मामले में जो है वो पनेसर ज्यादा है और सुपर स्टैंडर्ड उससे कम है, और NS29 उससे भी कम है, क्योंकि NS29 का जो कटर का साइज है और मशीन का साइज बिल्कुल सेम है। आपको कटर हटाने की जरूरत ही नहीं है NS29 में, कहीं से भी निकाल सकते हो 7.5 फीट के एरिया में। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। देखिए ऊंचाई जो है 10.5 फीट के करीब में पनेसर G60 की भी है और सुपर स्टैंडर्ड की भी 10.5 फीट के करीब में है, लेकिन
-29 की जो ऊंचाई है वो लगभग 11.5 फीट के करीब में, ऊंचाई कम है इन दोनों से। अब टायर साइज की बात कर लेते हैं। देखिए टायर साइज जो है वो पनेसर G60 के अंदर 16 और 28 के टायर हैं आगे फ्रंट वाले, और पीछे जो है वो 7/50-16 के टायर यूज किए गए हैं। जबकि सुपर स्टैंडर्ड S50 के अंदर 15/9-28 के टायर हैं बड़े वाले आगे वाले, और पीछे के टायर जो हैं वो 7/50-16 के ही हैं। और NS29 के अंदर जो टायर हैं वो 16/28 के बड़े वाले हैं और पीछे वाले 7/50-16 के हैं। तो देखिए NS29 और पनेसर G60 के जो टायर हैं वो दोनों सेम है, लेकिन सुपर स्टैंडर्ड S50 के टायर थोड़े छोटे हैं, 15/9-28 के टायर उसमें यूज किए गए हैं। जो NS29 कंबाइन हार्वेस्टर है उसमें जो ब्रेक है वो प्रेशर ब्रेक आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड ये तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात हो गई इन तीनों की, और ये कंपैरिजन था इन तीनों का। तो देखिए कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो NS29 सबसे नीचे जाती है इसमें, क्योंकि अगर प्राइस के मामले में देखा जाए तो लगभग सब बराबर ही बैठती है, लेकिन NS29 का हर चीज में NS29 कम है और वर्किंग कैपेसिटी भी कम है उसकी। और देखा जाए तो सुपर स्टैंडर्ड और पनेसर G60 दोनों एक तरह से सिमिलर ही है, दोनों बराबर का इनका कंपैरिजन है। तो कुछ भाई जो जिन लोगों को जैसे मान लो पतले रास्तों में लेकर के जानी है कंबाइन बिना कटर हटाए या, वो तो उनके लिए NS29 बेस्ट है, लेकिन अगर किसी को वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से देखनी है और उससे, तो फिर मेरे ख्याल से सुपर स्टैंडर्ड S50 से भी जो बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है वो पनेसर G60 दिखाई दे रही है, क्योंकि पनेसर G60 में कुछ चीजें सुपर स्टैंडर्ड S50 में भी ज्यादा है, लेकिन कुछ चीजें जो है पनेसर G60 में भी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से अब डिपेंड करता है, वो आप देख सकते हो खुद से के आप कौन सी लेना चाहोगे। दोनों ही लगभग सेम कंबाइन हार्वेस्टर हैं। अब वो आप एक तरह से देख लें कंपैरिजन का, एक तरह से रिसेल वैल्यू टाइप की देख लें कि कौन ज्यादा डिमांड में रहती है। जैसे आपने देखा होगा पनेसर G60 का बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, तो इस पर भी आप जा सकते हो। मैं तो यही कहूंगा कि पनेसर G60 ही इनमें तीनों में बेस्ट होने वाली है, बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप देख सकते हो कि आप कौन सी लेना पसंद करोगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।